दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजप्रीत और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता में हमने कल प्रारंभ कर दी थी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का वीडियो हमने कल बनाया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और देखो, उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है दोस्तों, सामाजिक जीवन, इसके बाद में आपको एक ध्यान रखनी है कि जो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल था उसमें क्या थी, सामाजिक जीवन में जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल इस उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो गई दोस्तों। यानी वो व्यवस्थाएं जो ऋग्वेदिक काल में थी वो इस समय पूरी तरह लगभग परिवर्तित हो गई। इसके अंदर आपको एक तो ध्यान रखना है कि परिवार कैसे होते थे। यहाँ के जो परिवार है दोस्तों, वो संयुक्त होने लगे, परिवार सामाजिक जीवन है संयुक्त होने लगा। यानी इसका जो सामाजिक जीवन है, परिवार कैसे थे, संयुक्त परिवार थे। दूसरा, इसके अंदर आपको एक शब्द याद रखना है, गेहंता। गेहंता ये अतिथि को कहा जाता था, यानी उत्तर वैदिक काल में अतिथि को गेहंता कहा जाता था, गेहंता नाम दिया जाता था अतिथि को। यानी जो मेहमान आते थे ना उसको क्या कहते थे, गेहंता। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन चार वर्णों में बंट गया। वैसे ये चार वर्ण उस समय भी थे, लेकिन इस समय ये चार वर्णों में बंट गया। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म आधारित हो गई। ऋग्वेदिक काल में हमने पढ़ा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, कर्म से जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र कहे जाते थे। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था पूर्णतः जन्म आधारित हो गई। यानी जो जन्म से ब्राह्मण है ब्राह्मण है, जो जन्म क्षत्रिय है वो क्षत्रिय है, मतलब जन्म आधारित हो गई। यहाँ कर्म का कोई भी महत्व नहीं रहा। इसके बाद हम बात करते हैं गोत्र व्यवस्था भी यहीं से प्रारंभ हो गई। यानी जो गोत्र व्यवस्था थी इसका जिसका वर्णन मिलता है यजुर्वेद में, दोस्तों ये यजुर्वेद में जिसका वर्णन मिलता है गोत्र व्यवस्था, ये भी यहाँ से प्रारंभ हुआ। यानी गोत्र अलग अलग गोत्रों के नाम से जाना जाने लगा इस व्यवस्था को। इसके अलावा जो आपके पहले जो है इसके इसके अंदर देखो, पहले जो है उत्तर जो ऋग्वेद काल थी ना उसके अंदर वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, यहां जन्म आधारित हो गई। तो जो वर्ग थे इनके बीच में दोस्तों दूरियां आने लगी, वर्गों के बीच में दूरियां आने लगी। यहाँ पर द्विज का एक शब्द बनता है, द्विज का गया दोस्तों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को, इनको द्विज कहा जाता था। यानी ये तीन जो वर्ण है इनको द्विज कहा जाता था, यानी इन तीन वर्णों को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इस सामाजिक जीवन में आपको ध्यान रखना है कि आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो गया। आश्रम व्यवस्था जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जबालो उपनिषद यानी जबाली ऋषि के उपनिषद, जो जबालो उपनिषद है उसमें बताया गया कि इस समय का जो सामाजिक जीवन है इसको चार आश्रमों में बांटा गया। अब वो चार आश्रम कौन से थे देख लो, वो चार आश्रम ये थे। नंबर एक ब्रह्मचार्य, नंबर दो गृहस्थ, नंबर तीन वानप्रस्थ और नंबर चार संन्यास। अब देखो, जीवन को इन चार आश्रमों में बांटते हैं। यानी जीवन की जो आयु लगभग मान ली गई 100 वर्ष, हम मानते हैं कि 100 वर्ष जीवन की आयु मानकर जीवन को चार हिस्सों में, चार अलग अलग आश्रम बांटा। ब्रह्मचर्य आश्रम का पीरियड रख दिया 0 से 25, यानी व्यक्ति 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य पालन करेगा, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन का, 50 से 75 जंगल में रहेगा और 75 से 100 के बाद में मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 0 से 25 जो ब्रह्मचर्य आश्रम था इसकी शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार से। यानी उपनयन संस्कार कर दिया जाता था, जनेऊ पहना दी जाती थी और बच्चे को मतलब घर से दूर गुरु के आश्रम भेज दिया जाता था और वहां पर वह रहकर 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करता था। यानी वह क्या करता था, पढ़ाई करता था वहां 25 वर्ष तक। उसके बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देने के बाद वह किस आश्रम में प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद माता पिता उसकी
योग कन्या के साथ शादी करा देते हैं और ये 25 वर्ष तक विवाह है, मतलब यहाँ पर विवाह है और विवाह के साथ ये जीविकोपार्जन जो करता था, जीविकोपार्जन यही करता था, जीविकोपार्जन यही करता था। इसके लिए आपको याद रखना है ये जो गृहस्थ आश्रम है ये इन तीनों आश्रमों का पोषक है, यानी तीनों आश्रम किस पर आधारित रहते हैं दोस्तों, इस गृहस्थ आश्रम पर निर्धारित, इस आश्रम पर निर्धारित रहते हैं। कैसे, देखो ब्रह्मचारी जो व्यक्ति थे वो भिक्षा मांगते थे, प्राचीन काल में जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी होते थे वो नगर में जाकर भिक्षा मांगते थे, तो भिक्षा किसके पास मिलती थी, गृहस्थ के पास। ये वानप्रस्थ ऐसे रहते थे कि जंगल जंगल में जो भी इसको चाहिए होता था या इसको कुछ मिलना होता था तो इसे मिलता था। संन्यास वाला जो है वो भी इसी गृहस्थाश्रम से निकला हुआ होता था। इसीलिए तीनों आश्रमों का यह मुख्य आधार कौन सा है, गृहस्थाश्रम, इसके ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वानप्रस्थ की बात करें तो 50 से 75 के बाद जैसे व्यक्ति अब ये लग जाता था कि अब वृद्धावस्था आ चुकी है, अब मैं कमा नहीं सकता, तो वो क्या करता था, जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाता था, वन में चला जाता था तपस्या करने के लिए। इसके बाद 75 से 100 में संन्यास आश्रम, यानी 75 वर्ष के ऊपर के बाद जब मृत्यु प्राप्त होती है तब तक वह इस आश्रम का पालन करते हुए भगवान की पूजा अर्चन करता था। तो ये चारों आश्रम है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस समय के विवाहों की। इस समय दोस्तों जो विवाह होते थे, विवाहों का वर्णन है, विवाह है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है उत्तर वैदिक काल में। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, कौन कौन से थे। नंबर एक था ब्रह्म विवाह, नंबर 2 आर्ष विवाह, नंबर 3 प्राजापत्य विवाह, नंबर 4 आगे देखो इसके अंदर चौथा जो विवाह है ब्रह्म आरस प्राजापत्य और आपके देव विवाह। इसके अलावा 5वां विवाह है गंधर्व विवाह, 6ठा विवाह है राक्षस विवाह, 7वां विवाह है पेशाच विवाह और एक है आपके असुर विवाह। अब देखो इनका अलग अलग, ब्रह्म विवाह वो विवाह होता था जिसके अंदर कन्या को दहेज देकर, मतलब कन्या को दहेज देकर मतलब सामान के साथ विदा कर दिया जाता था, वो विवाह था ब्रह्म विवाह। इसके अंदर आरस विवाह के अंदर आप बात करोगे तो आरस विवाह के अंदर क्या होता था कि जो कन्या का पिता होता था वो एक जोड़ी बैल लेकर या एक जोड़ी पशु लेकर जो है वो अपने कन्या विदा कर देता था, यानी इसको आप ये मान सकते हो ये एक प्रकार क्रय विक्रय विवाह भी इसको मान सकते हो। इसके अलावा प्राजापत्य विवाह की बात करें तो प्राजापत्य विवाह इस समय वर्तमान में बहुत प्रचलित है। इसका अर्थ होता था कि बिना दहेज दिए कन्या को विदा कर देना योग्य वर के साथ। देव विवाह में होता था कि जो यज्ञ होता था, यानी जैसे प्राचीन काल में ऋषि यज्ञ करवाते थे तो यज्ञ करने आता था ऋषि, उसी ऋषि को अपनी कन्या दे देना देव विवाह कहलाता था। गंधर्व विवाह को हम वर्तमान में जो लव मैरिज है वो कह सकते हैं, वो गंधर्व विवाह में प्रचलित थी। राक्षस विवाह की बात करोगे तो राक्षस विवाह वो विवाह होता था जिसमें कन्या का हरण किया जाता था, मतलब हरण जो विवाह होता था ये राक्षस विवाह था। पैशाच विवाह की बात करो, सूती कन्या को उठाकर ले जाना, उसके साथ शादी कर लेना, पैशाच विवाह में। असुर विवाह की बात करोगे तो कन्या का क्रय विक्रय, मतलब धन देना और कन्या को लेना, मतलब खरीद फरोख्त वाला जो विवाह है वो असुर विवाह में आएगा। तो ये 8 प्रकार के उस समय विवाह प्रचलित थे। अब हम बात करते हैं इस समय जो है दोस्तों 16 संस्कारों का भी जिक्र बनता है। 16 संस्कार, इन संस्कारों पर चर्चा करते हैं। 16 संस्कारों देखो, पहला है गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, इसके अलावा निष्क्रमण, जातकर्म, अब दोस्तों इन 16 संस्कारों को देखते हैं
जैसे पहले गर्भधारण है जिसे निषेध या चतुर्थी क्रम कहा जाता है, पुंसुर्ण जो संस्कार किया जाता था पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता था। इसके अलावा श्रीमंतों ने जो है वो बाह्य जो स्त्री को जो है बाह्य आपदाओं से बचाने के लिए जो किया जाता था। जातक्रम जो संस्कार है ये संतान को संतान के लिए किया जाता था, मतलब संतान जो होती थी उसको अनिष्टकारी अनिष्टकारी जो शक्ति थी उससे बचाने के लिए। इसके बाद नामकरण, बच्चे को उसका नाम प्रदान किया जाता था। इसके बाद निष्क्रमण, माँ व बच्चे को जन्म के 12 दिन या 4 महीने की अवधि में बाहर निकालना, जिसे अपनी भाषा में बाहर निकालना कहते हैं या जिसे कहते हैं क्या जिसे अपनी भाषा में बाहर निकालना कहते हैं, जलवा कूदना जो है वो सिस्टम ये निष्क्रमण है। अन्नप्राशन, बच्चे को पहली बार अनाज खाया जाता है। चूड़ा क्रम, बच्चे का जडूला चढ़ाना, जो जडूला चढ़ाया जाता है ना वो ये संस्कार है चूड़ा क्रम संस्कार। इसके अलावा कर्ण भेदन, कान भेजे जाते हैं छोटे बच्चों के कान भेजे जाते हैं। कर्ण भेदन, विद्यारंभ, बच्चे को पट्टी के ऊपर कह लिख कर उसकी पढ़ाई प्रारंभ की जाती है। इसके अलावा उपनयन संस्कार, जनेऊ जो पहना दिए जाते थे उस समय, इसका आपको एक धारण है कि ब्राह्मण जो है वो वसंत ऋतु में जनेऊ या जो उपनयन संस्कार है ब्राह्मण का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य का शीत ऋतु में ये संस्कार होता था। यानी ये इसकी ऋतु के अनुसार अलग अलग संस्कार थे, ब्राह्मण वसंत ऋतु में, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में और वैसे शीत ऋतु में उपनयन संस्कार थे। उसके बाद आपको वेद पढ़ने के लिए गुरु के पास भेज दिया जाता था वेदारम। इसके बाद केशांत 16 या 17 वर्ष की आयु में पहली बार उसने जो है बाल काटे जाते थे, केशांत का जाता था। समावर्तन में मतलब दीक्षांत समारोह, जिसे यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त करने के बाद दीक्षांत समारोह होता है, वैसे गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु को दक्षिणा देने के बाद ये समावर्तन संस्कार। विवाह संस्कार से आप परिचित हैं, विवाह होते थे और अंत में यह जो संस्कार है ये सभी के लिए होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 संस्कार तो ऐसे हैं जो जन्म से पहले के और 1 संस्कार ऐसा जो जन्म के बाद का है। ये 3 संस्कार जीपीएस जीपीएस गर्भदान पुरुषण सीमंत्र में जन्म से पहले का और ये अंत्येष्टि ये जन्म के बाद का है। बीच में मतलब 12 संस्कार है, ये आपको संस्कार ध्यान रखने हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं दोस्तों, इसमें 4 पुरुषार्थों का भी वर्णन मिलता है, 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है। कौन से वो 4 पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थों का भी वर्णन मिलता है कि ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ उस समय थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको धर्म एक ही आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म धर्म का है आप देखोगे, गृहस्थाश्रम में धर्म, अर्थ, काम तीनों है ये गृहस्थाश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम की बात करोगे तो वहां पर धर्म और धर्म, वानप्रस्थ आश्रम में धर्म धर्म वानप्रस्थ आश्रम। और मोक्ष की बात करोगे तो ये था संन्यास आश्रम का, वैसे ये पुरुषार्थ मान लो कौन सा आश्रम का था? संन्यास आश्रम का पुरुषार्थ था। इसके अलावा महिलाओं की बात करते हैं, उस समय की उत्तरवेदी काल महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो महिलाओं की जो शिक्षा में है उस समय की 2-3 महिलाएं जो है प्रमुख मिलती है, जैसे गार्गी, गार्गी मैत्रेयी, ये 2 विदुषी महिलाओं के जो है उत्तरवेदी काल में नाम मिलते हैं। ये उत्तरवेदी काल की विदुषी महिलाएं थी, कौन है? गार्गी मैत्रेयी। इसके अलावा दोस्तों एक टर्म्स मतलब एक ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी का अर्थ था दोस्तों आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण करना, आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को ब्रह्मवादिनी ग्रहण करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये था उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन जिस पर हमने आज चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।